चुनावी दौरे के मद्देनजर आज हम भालिया क्षेत्र में घूम रहे हैं और टाटगढ़ क्षेत्र में अभी पहुंचे हैं, और इसी भ्रमण के बीच में जो निर्दलीय प्रत्याशी है महेंद्र सिंह रावत, वो दौरा करते हुए नजर आए हैं। और जब इनसे मुलाकात हो गई है तो इनसे वार्तालाप करते हुए इनके मुद्दों को लेकर भी बातचीत करते हैं और किस तरह का अभी माहौल बना हुआ है उसको लेकर बातचीत करते हैं। आपका चुनाव चिन्ह टॉर्च है, आप अंधेरे पर उजाले लेकर निकलने की बात कर रहे हैं, फिलहाल इस भालिया क्षेत्र के दौरे पर है, यहाँ पर अभी तक कितना उजाला कर पाए? 15 साल में जो शंकर सिंह जी इस भालिया में अंधेरा किया हुआ है, यह टॉर्च इस बार उजाला करेगी, परिणाम आपको 3 तारीख बताएगी। लोगों को पता ही नहीं है कि लोग शंकर सिंह जी आकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, ये मोदी जी का चुनाव है, समाज की सीट खतरे में, विकास के नाम पे चुनाव नहीं लड़ रहे। मोदी जी का चुनाव 6 महीने बाद में है, अब विकास के नाम पे चुनाव लड़िए। 15 साल में आपने क्या किया, भालिया की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे निवेदन करूँ, ये 30 पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने बनाए, जगह जगह हर घर ये पैम्पलेट जा रहे हैं और समाज और ये भालिया की जनता पूछ रही छत्तीस कौम की, MLA साहब ने क्या किया, मांगड़ जी के लिए आपने क्या किया, मांगड़ जी हर साल आप पैदल जाते हो, मांगड़ जी के रोड नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, 15 साल में आपने यहाँ कोई स्कूल बनाया नहीं, कोई कॉलेज बनाया नहीं, टाटगढ़ उप तहसील और उपखंड कांग्रेस के राज्य में बना, अभी भालिया को कॉलेज दी तो कांग्रेस ने, आपने यहाँ पे ITI पॉलिटेक्निक नर्सिंग एक कोड़ी का काम नहीं किया, यहाँ पे किसी टाटगढ़ में किसी की मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में तो पोस्टमार्टम के लिए उनको ब्यावर ले जाना पड़ता है, यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए तो भीम जाना पड़ता है या ब्यावर आना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। यह 15 साल में शंकर सिंह ने किसी एक व्यक्ति को या नौकरी नहीं दी। शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे रोड़े देखो, इन्होंने वादा किया था कि मैं आऊँगा तो पहली बार मैं जैसाकड़ा से ददौलासुर की रोड की हालत देखो, गापा सुरपा देखो, चरपला देखो, अल्जीरिया देखो, आप भीम से टाटगढ़ रोड देखो, भीम से बराबर की रोड देखो, रपट मातुवाड़ा 8 विधानसभा में एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जिसकी रोड अच्छी हो। आप सब मीडिया से बंधु निवेदन, आप भी घूम के देखो इस क्षेत्र की हालत क्या है। अभी जो हमने दौरा किया है, तमाम लोगों से बातचीत की है, एक मुख्य समस्या जो है वो पेयजल समस्या भी निकल कर सामने आई है, क्योंकि महिला हो पुरुष हो हर जने ने इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया। 199 गाँवों की बात भी की गई, घर घर पानी पहुंचाने की बात की गई, लेकिन अधरजूल में लटकी हुई है योजना, कई कारण है, कांग्रेस को दोषी माना जा रहा है, कई जगह भाजपा के विधायक को घेरा जा रहा है, आप क्या देखते हैं? देखो कांग्रेस से दोषी कैसे होगी, विधायक तो शंकर सिंह जी रावत है, ये कहते हैं अपना वो मैं संघर्षशील विधायक हूँ, तो आपको संघर्ष करना चाहिए ना, जहाँ आपको पैसा मिलता है वहाँ आप संघर्ष करते हो, सिरसिम के खिलाफ आंदोलन करोगे पैसा मिलेगा आप घर बैठ जाओगे, टोल के खिलाफ आंदोलन करोगे पैसे मिलेगा घर बैठ जाओगे। यहाँ की हकीकत है, आपने देखा होगा पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि शंकर सिंह जी ने एक विज्ञापन छपा था अखबार में, क्या मैंने विधानसभा में पूरी एकमात्र राजस्थान की विधानसभा है जहाँ पर बिसलपुर का पानी पहुँचा, आप मीडिया आप खुद यहाँ पर खड़े हो, आप देखो 8 विधानसभा में कहाँ बिसलपुर का पानी पहुँचा, या वो ज्ञापन सही है शंकर सिंह सही है या यहाँ की जनता बोल रही है, हकीकत है, हकीकत का सामना आप सबको कराना चाहिए। अच्छा, आपने जो भी भ्रमण दौरा किया है, लोगों का रुझान जाना होगा, क्या लोगों की कई समस्याएं भी आपके बीच में आई होगी, उनका रुझान देखकर क्या लगता है? लोग तो यही कह रहे हैं मोदी तुझसे बैर नहीं, शंकर सिंह तेरी खैर नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मोदी जी को चाहते हैं, पर यहाँ व्यक्तिगत शंकर सिंह जी की 15 साल की नाकामियाँ हैं, शंकर सिंह जी फेलियर रहे, इस वजह से लोग शंकर सिंह जी को नहीं चाहते हैं। इस बार ब्यावर की जनता परिवर्तन चाह रही है, भालिया की जनता परिवर्तन चाह रही है। अगर मैं भाजपा प्रत्याशी शंकर सिंह रावत की बात करूँ तो उनके जो सपोर्टिव लोग हैं उनका यह कहना है कि महेंद्र सिंह रावत रावतवाद में फूट की बात कर रहे हैं, आगे पीछे शंकर सिंह रावत को टारगेट किया जा रहा है। मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं है, आपने मैं आपसे निवेदन करूं 2003 से 2008 तक देवी शंकर जी विधायक रहे, आप देखो शहर में हर समाज का उन्होंने सर्किल बनाया, मैं जाति का हूँ, पहले मेरी जाति की बात करूंगा, फिर अगर मैं मुझे विधायक बनता हूं तो मैं सबकी बात करूंगा और मुझे सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने पिछले अपने आप को पृथ्वीराज चौहान की संतान कहते हैं, पूरे ब्यावर में एक भी उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का सर्किल बनाया क्या, समाज की कोई जगह एक इंच भी अलॉटमेंट की क्या, रावत छात्रावास में आपने क्या किया, समाज की फूट की बात नहीं, आप समाज के दम पे हो, समाज तीनों बार आप सब जनता तो आपको वोट दे रही है छत्तीस कौम की, पर इस विधानसभा में 50% रावत मतदाता है, इसलिए समाज की बात कहना हम प्रमुखता से सब समाज तो दे ही रहे हैं, पर रावत समाज के लिए आपने किया, आपने देखो भालिया की हालत देखो, शिक्षा चिकित्सा हर भालिया फेलियर है, लगता ही नहीं है, कोरोना काल में हमारी जो बहन बेटी है स्कूल कॉलेज नहीं जाती थी वो ऑनलाइन पढ़ती थी, जिस गाँव में नेटवर्क ही नहीं है मोबाइल टावर ही नहीं है वो कैसे ऑनलाइन पढ़ेगी, ये भविष्य खराब कर रहा है हमारे विधायक साहब, इसके जिम्मेदार विधायक शंकर सिंह जी रावत स्वयं है। महेंद्र जी, जो जो नहीं हुआ उसके बारे में तो आपने बताया, मुख्य पार्टियां जो अपना गारंटी कार्ड लेकर आई है, ऐसे में आपने भी गारंटी कार्ड को यहाँ पर घोषणा जो है अपनी कर दी है, गारंटी कार्ड को लेकर आए हैं, अब ऐसे में मुख्य क्या ऐसी मांगे हैं जो प्रमुखता से आपने उठाई और आप विधायक अगर बनते हैं तो प्रमुखता से आप उनको पहले सबसे पहले? सर्वप्रथम तो यहाँ की भालिया की आस्था के केंद्र है मांगड़ जी,
दम होना चाहिए मांगड़ जी के रोड ले जाने का। मांगड़ जी के रोड ले जाऊंगा, मांगड़ जी के लाइट ले जाऊंगा, मांगड़ जी के वहाँ पानी पहुँचाऊंगा। और इस बाल्या क्षेत्र में जो हमारी माता बहनों के लिए रोजगार नहीं है, सबसे पहले युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करूँगा, माता बहनों के लिए रोजगार की व्यवस्था करूँगा। और इस आठों पंचायतों में खेल स्टेडियम नहीं है, यहाँ पर खेल स्टेडियम बनाऊँगा। और जो सेना भर्ती में जो युवा जाते हैं उनके लिए जो रनिंग की व्यवस्था, ट्रैक व्यवस्था, वो ट्रैक बनाऊँगा। और जो शिक्षा, चिकित्सा और थाने में भी जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको भी खत्म करूंगा। यहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था करूंगा, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलाऊंगा, कॉलेज खुलाऊंगा, गर्ल्स कॉलेज खुलाऊंगा। जितने भी काम नहीं हुए शंकर सिंह जी ने जो 15 साल में नहीं किए, अगर एक साल में नहीं करूँ, मैं मीडिया के माध्यम से, मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर एक साल एक बार में ये कार्यक्रम नहीं करूँ तो मैं अपने आप से इस्तीफा दे दूंगा और मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। इतना मैं वादा कर रहा हूँ, मैं खुद की गारंटी लेता हूँ और गारंटी कार्ड भी इस बाल्या में मगरे में लेकर घूम रहा हूँ। एक आरोप का और बयान दे दीजिए आप कि जो भाजपा समर्पित, जो प्रत्याशी के समर्पित लोग हैं उनका ये भी इस तरह के माहौल में बोला जा रहा है, इस तरह की बातें की जा रही है कि महेंद्र सिंह रावत रावत समुदाय में आकर उसे दो फाड़ कर कहीं ना कहीं भाजपा को पीछे ना धकेल दे और इसका फायदा कहीं कांग्रेस को ना मिल जाए, ये भ्रम कैसे दूर करेंगे आप? रावत समाज कतई जिंदगी में कभी कांग्रेस को वोट नहीं देता है, 1% की मैं नहीं कह सकता। 99% भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ था, पर शंकर सिंह के साथ नहीं है। पिछले बार भी आपने देखा होगा भाजपा ने देवेंद्र जी को वोट दे दिया, 19,000 उनको दे दिए पर कांग्रेस को नहीं दिए। इस बार भी स्थिति वही है, कांग्रेस को 1% ही वोट नहीं देगी रावत समाज, रावत समाज निर्दलीय को वोट देगी पर शंकर सिंह जी को वोट नहीं देगी। आप भाजपा के सिपाही माने जाते हो, भाजपा समर्पित माने जाते हो और हर तरफ भाजपा का यहाँ पर दबदबा रहा है, पूरे क्षेत्र में रहा है, ऐसे में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ हो और आपकी तरफ निर्दलीय की तरफ थोड़ा मुश्किल दौर नहीं लगता? आप देख लो, जनता के बीच जाओ, पूछ लो, घर घर जाके गाँव गाँव जो लो जनता क्या चाह रही है। मुश्किल तो शंकर सिंह जी के लिए, शंकर सिंह जी कैंडिडेट इसलिए मुश्किल है, अगर परिवर्तन होता ब्यावर में इस बार तो मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ब्यावर में कम से कम 60-70-80 हज़ार से वोटों से जीतती। इस बार शंकर सिंह जी रावत समाज की सीट को खतरे में बताकर ये वापस आने का प्रयास कर रहे हैं, पर मैं मंच के माध्यम, मीडियम के माध्यम कहना चाहता हूँ, रावत समाज की सीट खतरे में नहीं जा रही है, शंकर सिंह जी स्वयं खतरे में जा रहे हैं, ये मैं आपसे निवेदन। तो तय कर लिया इस बार अंधेरे पे उजाला होगा? बिल्कुल 100% होगा। एक शंकर सिंह जी ने एक बहुत बड़ा कुठाराघात किया इस समाज के साथ में, मैं मीडिया के सामने बताना चाहूँगा। शंकर सिंह जी कहते हैं मैं ये काम तो देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, कोई मुख्यमंत्री, राज्यपाल भी नहीं कर सकता है, ये अधिकार किसी भी नेता को नहीं दिया है, आप किसी जाति के लिए बोल सकते हो। शंकर सिंह जी कहते हैं हमारे रावत समाज के लिए कि रावत कोई जाति नहीं होती। एमएलए साहब, रावत जाति नहीं है, क्यों आप 1947 से पहले की या कोई कुरुतियों वाली बात कर रहे हो? रावत हमारी उपाधि थी कोई समय में, आज रावत ही हमारी जाति है। क्या संविधान से बड़े शंकर सिंह जी हैं? क्या राज्यों से, रुकड़ से शंकर सिंह जी बने? क्या लो से शंकर सिंह जी बने? कानून हमारे को क्या मानता है, लो हमारे को क्या मानता है, इतिहास हमारे को क्या मानता है? शंकर सिंह जी कहते हैं रावत जाति नहीं। मैं इस मीडिया के माध्यम से समस्त रावत जाति से आह्वान करता हूं कि शंकर सिंह जी को इस जाति, रावत जाति का जो अपमान किया है इसका बदला लेने का समय आ गया है। रावत जाति नहीं तो रावत क्या है, ये शंकर सिंह जी मीडिया के माध्यम से आके बताए कि रावत क्या है। तो शब्दों का, तो शब्दों में दर्द जाग रहा है, जनता की बात की जा रही है और विरोधाभास, 15 साल के वो अंधियारा जिसमें उजाला लेकर है महेंद्र सिंह रावत। तो फिलहाल चुनावी दौर लगातार जारी है, जनता का दर्द लगातार जारी है, 25 नवंबर को मतदान होना है और 25 नवंबर को जनता किसकी ओर फैसला करती है, ये परिणाम आएगा 3 दिसंबर का। तो इंतजार है सभी को 3 दिसंबर का, वो दिन जब ऐतिहासिक बिहार विधानसभा के हित में फैसला होगा।